लेकिन हमको सरकारी दुकान से वो लोग सामान नहीं खरीदने देता है, हमको बाजार में महंगा दाम में खरीदना पड़ता है और गरीबों को देना पड़ता है। ये अनाज आपको सिर्फ जिंदा रखने के लिए, इस अनाज से आप अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते। और आज देश की स्थिति यह है कि केंद्र सरकार ने ऐसे नीति बना दी, इस देश का 80% लोग अब राशन कार्ड पर जिंदा हो चला गया है। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, लोगों का आय घट रहा है, महंगाई आसमान छू रहा है, नमक तेल साग सब्जी दाल चावल आटा जूता चप्पल कलम कागज पेट्रोल डीजल। आप लोग नौजवान हैं, बाजार घूमते हैं, आज स्थिति ऐसा हो गया है, गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया, क्योंकि महंगाई ऐसी बढ़ गई। और इतना देश का कर्जा हो गया है कि आने वाला समय में अर्थव्यवस्था ये स्थिति पे नहीं है कि वो कर्ज जल्दी उतर सके, और उस कर्ज को उतारने के लिए आज इतना महंगाई बढ़ रहा है, आप लोगों का जूता चप्पल कलम कागज साइकिल मोटरसाइकिल पेट्रोल डीजल में इतना टैक्स लग रहा है, क्योंकि इतना कर्जा जो भारत सरकार ले रही है अपने अमीर साथियों को कंपनियों को पैसा देने के लिए, जहां से कर्जा लेते हैं वहां से तो पैसा देना ही पड़ेगा ना भाई। लेकिन झारखंड सरकार ऐसा नहीं है, आज हमारे विदेश में जो बच्चे पढ़ रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए का जो खर्च आ रहा है वो कोई शर्तों के साथ नहीं, कोई बंधन के साथ नहीं कि तुमको कल आने वाला समय में पैसा वापस करना है। आज जिस अंग्रेज के साथ हम लोग लड़े हैं, आज उसी अंग्रेज के स्कूल में हमारा नौजवान पढ़ने जा रहा है, वही आदिवासी का नौजवान उसके स्कूल में साथ में खड़ा होकर पढ़ रहा है, साथ में बगल में बैठ के पढ़ रहा है। तो इसीलिए आप लोग अपने आप को मजबूत करें, झारखंड को मजबूत करें, अपने घर परिवार को मजबूत करें, आने वाली पीढ़ी को मजबूत करें, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे अनेक लोगों ने इस राज को खून से सींचा है, इस राज के दर्द और तकलीफ को हमसे ज्यादा और कोई नहीं बता सकता, हमारी सरकार से ज्यादा कोई इसको एहसास नहीं कर सकता।